नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी और अहम जानकारी आज की ये है कि दिल्ली में किसानों का कूच लगातार जारी है। हरियाणा और पंजाब में हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच कर दिया है और किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील भी कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि गाजीपुर, सिंघू, टिकरी समेत सभी बॉर्डरों को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। बॉर्डर इलाकों में भीषण जाम की स्थिति देखी जा रही। राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दी है। सीआरपीएफ की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है और एहतियात के तौर पर केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद भी कर दिया गया है। लाल किले को भी सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। गाजीपुर एसीपी स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 13 फरवरी को किसानों ने ये ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसी सूचना के आधार पे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें लोकल पुलिस, मुख्यालय से मिली हुई QRTs और PSC ये तैनात की गई है यहाँ पे। इनको जो जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ये पूरा जो गाजीपुर बॉर्डर का और यूपी गेट का एरिया है, इस पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है। अलवर से खबर है जहाँ पर बताते चले कि टीकाराम जूली ने लोगों की समस्याएं सुनी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। टीकाराम जूली ने कहा कि पर्ची वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 60 दिन पूरे होने के बाद भी आमजन के मूलभूत कार्यों के समाधान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये पर्ची वाली सरकार केवल हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर रोक लगाने और नाम बदलने के एजेंडे पर काम कर रही है। जनसुनवाई इलाके से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, छोटे मोटे कोई समस्या है वो बता रहे हैं, हाथ के हाथ मौके पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उन लोगों को मदद कर रहे हैं। देखिए, सरकार का 2 साल का जो सरकार ने जो 2 महीने का जो काम किया है, 2 महीने के अंदर पिछली सरकार की योजनाओं पर रोक लगाना, उनका नाम बदलना और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी काम चल रहे थे एक ऑर्डर से उन कामों को रोक दिया गया, तो इससे जनता को परेशानी आ गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, किसानों से जो वादे किए थे इस सरकार ने, वो वादे पूरे नहीं किए और आज किसान वापस आंदोलन करना चाहता है, उस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो आज तो किसान की आमदनी आधी भी नहीं रही। आज MSP के लिए किसान सड़कों पर है, आजादी के 75 वर्षों के बाद में भी ये हालात हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश का संविधान सबको ये ताकत देता है कि वो अपनी बात कहें, आंदोलन करें। सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार उनसे वार्ता करें, जो उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, आप लोगों ने वादे किए थे उनको पूरा करें। सभा चुनाव 2024 की सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी की तैयारियां अब नजर भी आने लगी हैं। लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों को अपने पाले में करना चाहती है। इसके लिए जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी बिसात बिछा भी चुके हैं। राजस्थान के रास्ते से सोनिया गांधी को राज्यसभा तक पहुंचाने में जादूगर गहलोत अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी को राज्यसभा का जीत का गिफ्ट देकर खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अजय माकन को राज्यसभा का चुनाव लड़वाया जाए राजस्थान से। वहीं गहलोत नहीं चाहते कि अजय माकन को राजस्थान से मौका मिले। याद करिए, वो 25 सितंबर 2022 की तस्वीर को, जब अजय माकन राजस्थान के प्रभारी रहते हुए दिल्ली दरबार से चिट्ठी लेकर आए थे और वो चिट्ठी गहलोत को पता थी कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है और वो चिट्ठी गहलोत को नापसंद थी। वहीं गहलोत कई बार बोल चुके हैं कि मैं गांधी परिवार की मेहरबानी से
तीन बार मुख्यमंत्री बना हूं। वहीं सबसे खास बात, राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा की सीट और चुनाव लड़वाना लगभग कांग्रेस पार्टी की ओर से तय हो गया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे सियासी समीकरण इसके क्या कहते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी अजय माकन को राज्यसभा से लड़वाना चाहते हैं चुनाव, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के लिए अशोक गहलोत आगे आ गए हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए आपका सवाल बड़ा माकूल सा सवाल है और कहा जाता है कि नजर का तीर नजर में रहे तो अच्छा है और घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। हालांकि राजस्थान की राजनीति में लगातार जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, भले ही अशोक गहलोत की जादूगरी विधानसभा चुनाव में नहीं चली हो, लेकिन वो अभी भी हार पसंद नहीं करना चाहते और वो सोनिया गांधी को जो है वो जीत का गिफ्ट देकर के राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जो भी गाहें बगाहें दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से भी उनको जो जादूगरी दिखानी है वो जादूगरी पूरी तरीके से, उनकी जो तिलिस्म जादूगरी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे प्रियंका ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं। हालांकि देखिए कि गांधी परिवार में जब हमने कल चर्चा की थी कि अंतर्कलह जो है वो नेशनल से लेकर के रीजनल तक है। देखिए सोनिया गांधी चाहती है कि राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि अजय माकन को राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा पहुंचाया जाए। हालांकि अजय माकन भले ही हरियाणा से सीट हार चुके हैं और वर्तमान में वो कांग्रेस के एज ए कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी लगातार देखिए कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो है वो अजय माकन लगातार उनके साथ बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं प्रियंका, जिसमें तस्वीरें साफ नहीं हो पाई थी कि 22 सितंबर 2022 को जब आला कमान से अजय माकन, जबकि राजस्थान के अंदर वो पार्टी के प्रभारी थे, राजस्थान प्रभारी थे, और आला कमान की तरफ से एक चिट्ठी आई थी और अजय माकन जो है वो डाकिया बनकर के आए थे, और जब डाकिया बनकर के राजस्थान में आए थे तो जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में जिस तरीके से जो लिखा हुआ था वो अशोक गहलोत को पता था, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि दिल के सारे गिले शिकवे रहने दीजिए, आप जहर देने आए हैं जहर दीजिए। देखिए ये जो बात है वो अजय अशोक गहलोत को पता थी कि अजय माकन क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाते हुए, यहाँ पर भी अशोक गहलोत और अजय माकन के बीच में काफ़ी कुछ बहस हुई थी, इसी को लेकर के अजय माकन को जो है वो राजस्थान का प्रभारी भी हटाया गया था। वो इसलिए हटाया गया था प्रियंका क्योंकि अभी भी कांग्रेस की जो कमान है, रिमोट है, वो सोनिया गांधी के हाथ में है। भले प्रियंका राहुल गांधी दोनों ही कितना ही दावे कर लें कि उनकी चलती है। हालांकि देखिए मानेसर कांड के अंदर हमेशा से प्रियंका गांधी ने जो है वो सचिन पायलट का साथ दिया, तो इधर से सोनिया गांधी ने जो है वो अशोक गहलोत का साथ दिया, लेकिन अशोक गहलोत 25 सितंबर को जो उन्होंने गलती की थी उस गलती को ना तो वो दोहराना चाहते हैं बल्कि उस गलती में सुधार लाने के लिए सोनिया गांधी को राजस्थान के जरिए से वो राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या इसके सियासी समीकरण ये कहते हैं कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी से दूर नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से वो सोनिया गांधी को आगे कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका यहां पर यह कहा जा सकता है कि तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दे मेरे, मेरी हसरत है तेरे घर में उजाला हो जाए। तो ये देखिए ये कांग्रेस के अंदर जो लगातार उपापोह की स्थिति बनी हुई है, ये उपापोह की स्थिति कब तक शांत होगी कोई नहीं जानता। हालांकि राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। हालांकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर भले ही हैं, देखिए वो इस वक्त भले पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, फिर भी सोनिया गांधी के लिए वो एक टांग पर खड़े रहने के लिए तैयार है। यानी कि अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि मैं राज्यसभा का जो पद संभाला वो भी गांधी परिवार की बदौलत, तीन बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा वो भी गांधी परिवार की तरफ से, लेकिन गांधी परिवार इस वक्त जो है वो
कांग्रेस के आसपास ही घूम रहा है। गैर कांग्रेस से अब तक राजस्थान या फिर राजस्थान के अलावा नेशनल कांग्रेस में एंट्री नहीं मार पाया है। अब आप देखिए धीरे धीरे कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। आज ही अजीत चौहान जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लोकसभा से पहले कांग्रेस जो है वो राज्यसभा की सीट जीत करके ये कॉन्फिडेंट होना चाहती है कि हम लोकसभा में कम से कम 25 में से 15 सीटें जीत जाएं, और इस पर जो है वो बड़ी खिलाफत करने के लिए देखिए। ठीक है सुरेंद्र जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपको बताते चले कि जहां सोनिया गांधी नामांकन भरने की फिराक में है और कल सोनिया गांधी अपना नामांकन भी भरेंगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि लोकसभा छोड़कर आखिर सोनिया गांधी का दिल राज्यसभा की ओर क्यों आया है। हिसार से अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हिसार से खबर है जहां पर देवेंद्र बबली निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे। बताते चले कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली खंड उकलाना के निजी सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पर स्कूल में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का जोरदार स्वागत किया गया। देवेंद्र सिंह बबली ने स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के निर्देशक रवि विश्नोई को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया और किसान आंदोलन पर कहा कि किसान संगठन और सरकार एक टेबल पर आकर बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। ग्रामीणाचल में एक बहुत अच्छी ये संस्था कार्य करी है, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ मिला है। उसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट को और भाई रवि बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे भी आने का बार बार मौका मिलता रहता है और अच्छा ये कार्य करें, ये मैं चाहूँगा कि आगे और अच्छे से संस्था आगे बढ़े और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और खेलों में जहाँ जहाँ जो प्रतिभा छुपी हों उनको वो प्लेटफॉर्म देने का ये काम करें। सर, किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो गया है, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, रोके जा रहे हैं, बैरिकेड। देखिएगा वहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार का बात वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, दो तीन वार्ता आपस में बैठ के हो चुकी हैं और बातों से ही हल निकलता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना हम सबकी जिम्मेवारी है, आम नागरिक के नाते होने की जिम्मेवारी है, सरकार की ड्यूटियाँ हैं वो हमें पुख्ता रखनी होंगी सरकारों को। लेकिन जो उनकी मांगे हैं अगर वो जरूर मांगे हैं वो टेबल पर बैठकर ही हल होंगी। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से बैठ के इसको इसका हल निकाला जाए और अपने प्रदेश की और देश की प्रगति में किसान का बड़ा योगदान है और आने वाले समय का बड़ा योगदान रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मुहाना मंडी की। राजस्थान की मुहाना मंडी जो कि मानसरोवर में स्थित है उसे सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। यहाँ पर इसे इसलिए बनाया गया था ताकि व्यापारियों और किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके और उन्हें व्यापार करने में आसानी हो सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हमें मिली व्यवस्थाओं को अगर हम उस पर अपना हक मानने लगे तो वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं कब तब्दील हो जाती हैं हमें खुद पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ चल रहा है एशिया की सबसे बड़ी मंडी में। मुहाना मंडी के मेन गेट पर हम खड़े हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार इसका ये बोर्ड दिखाएं, आप साफ देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रांगण कृषि उपज मंडी समिति फल सब्जी टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर। टर्मिनल मार्केट पर आप ध्यान दीजिए। और मुहाना मंडी इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर तमाम राजस्थान से व्यापारी आए, किसान आए और अपना जो सामान है वो थोक के रूप में यहाँ पर बेचे। लेकिन कई दिनों से सूचना हमें ये मिल रही है कि इस मुहाना मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है। हालांकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार के समय जो गलत नीतियाँ यहाँ पर अपनाई गई उसी का नतीजा है कि आज इस मुहाना मंडी के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम है। अतिक्रमण से ये मंडी जूझ रही है
साफ सफाई की व्यवस्था से ये मंडी जूझ रही है। अंदर चलेंगे, अंदर जाके आपको दिखाएंगे क्या कुछ समस्याएं इस मुहाना मंडी में आ रही है। यानी समस्याओं का पिटारा बन चुकी है ये मुहाना मंडी। दरअसल इस मुहाना मंडी में फल और सब्जियों का कारोबार होता है और इसीलिए सरकार की ओर से कारोबारियों को उनका माल रखने के लिए खुले बरामदे छोड़े गए और बस यहीं से कुछ लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया। सूबे के मुखिया के इलाके में मौजूद इस मंडी में जो बरामदे सरकार ने कारोबारियों की सहूलियत के लिए छोड़े थे, अब उन्हीं में से कुछ बरामदों को कुछ लोगों ने अपनी इबादत गाह बना डाला है। हालांकि जानकारी सरकार और स्थानीय प्रशासन को जरूर होगी, लेकिन फिलहाल सभी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको अपनी कहानी खुद ही बयां कर देंगे। सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि जब बरामदों को कारोबारियों की सहूलियत के लिए खुला छोड़ा गया और नियमों के अनुसार उन्हें खुला ही रहने दिया जाता है, तो फिर आखिर इन पर्दों के पीछे क्या है? अतिक्रमण आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा मेरे पीछे का दृश्य दिखाए। कम से कम 6 ब्लॉक को घेर कर यहाँ पर पिछली सरकार की शह पे, पिछली सरकार के प्रशासन में जो लोग थे उनकी शह पर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ढका हुआ जो ये ब्लॉक है पूरा, ये 6 ब्लॉक है, हम आपको बता रहे हैं 6 ब्लॉक पूरे ढके हुए हैं और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से अवैध है। और ये नफ्तेश टीवी नहीं, यहाँ के जो व्यापारी हैं वही लोग बोल रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, कैमरे पे आने को उन्होंने मना करा है, लेकिन दबी जुबान में सबने कहा है कि ये जो मस्जिद है ये पूरी तरीके से अवैध है, यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए थी। ये जो जगह है ये व्यापारियों के लिए है, उन किसानों के लिए है जो यहाँ पर आते हैं अपना सामान यहाँ पर थोक रेट में यहाँ पर बेचने आते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 6 ब्लॉक, हम आपको बार बार बता रहे हैं, 6 ब्लॉक पूरे ये घेर रखे हैं। और पिछली सरकार के समय ये गोरखधंधा यहाँ पर हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईद और जितने भी इस प्रकार के जो त्यौहार आते हैं यहाँ पर इन्हीं 6 ब्लॉकों में, जिसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है, चारों तरफ से इसे ढका हुआ है, वहाँ पर 250 से 300 की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और उस त्यौहार को यहाँ पर मनाते हैं। त्यौहार को मनाना गलत नहीं है, धर्म की पालना करना गलत नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से किसी चीज़ पर, वो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना, वो सरासर गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे कैमरामैन को मैं एक बार फिर से बोलूँगा वो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाए, वहाँ पर एक नल लग रहा है जो पूरी तरीके से अवैध, जो कनेक्शन लिया गया है उसका नल का, वो भी यहाँ पर दिखाई आपको देगा। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, नल से पानी भरते हैं, पानी से जो हम कह सकते हैं जो वजू होता है वो करते हैं, उसके बाद मस्जिद में ये नमाज अदा करने जाते हैं। और स्थानीय व्यापारी का यहाँ तक भी कहना है कि अब ये जो मस्जिद जो अनाधिकृत रूप से बनाई गई है, अब ये जो हम कह सकते हैं जो छुट भैये जो उठाई गिरे हैं, अब ये मस्जिद धीरे धीरे उन उठाई गिरों का ये अड्डा बनती जा रही है, अवांछित गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। तो देखा आपने किस प्रकार मुहाना मंडी परिसर के एक बड़े भूभाग पर गुपचुप और अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा शासनकाल में बनी इस मंडी को सरकार और प्रशासन द्वारा अलग थलग छोड़ दिया गया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शह पर और अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर मस्जिद के अवैध निर्माण की ओर सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय व्यापारियों द्वारा ये भी पता चला है कि धीरे धीरे ये अवैध मस्जिद अब उठाई गिरों और आपराधिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है। देखने वाली बात यह है कि इन अव्यवस्थाओं की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अवैध बनी ये मस्जिद ढहाई जाएगी? क्या नई बनी भजनलाल सरकार इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएगी या इन्हें ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? कैमरामैन को बोलूंगा ये बोर्ड दिखाए एक बार। यहीं से हमने हमारी इस पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करी थी और आपको बताया था कि मुहाना मंडी इस समय अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अतिक्रमण की जो मुख्य समस्या है यहाँ पर, उससे मुहाना मंडी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं घिरी हुई है। और अतिक्रमण भी छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है। और मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार थोड़ा वो मेरे घूम के मेरे पीछे का ये एक फ्लैक्स एक यहाँ पर लगा हुआ है उसको दिखाए। उस पर लिखा हुआ है फल सब्जी मंडी मुहाना जयपुर में द्वितीय चरण का उद्घाटन समारोह आने वाली 21 फरवरी को होने वाला है। आपको बता दें द्वितीय चरण का उद्घाटन हो रहा है जिसमें सस्ती दरों पर फल सब्जी का व्यापार शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आने वाली 21 तारीख को द्वितीय चरण का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन जो पहला चरण है अभी तक वो पहला चरण ही पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया।
चलिए, अब आप तस्वीरों के माध्यम से ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ यानी मुहाना मंडी में गुपचुप या यूं कहें कि पर्दे के पीछे कौन सी इबारत लिखी जा रही है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर यहाँ के लोग और अधिकारियों का इस प्रकरण पर क्या कहना था और किस तरीके से वो सफाई देते नजर आए, वो भी आपको बता देते हैं। हैरान करती हैं ये तस्वीरें कि राजस्थान के मुखिया के इलाके में इतना सब कुछ चल रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर छोटी सी फुंसी का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो फिर वो नासूर बन जाती है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मंडी में काम करने वाले मजदूरों के बयान, फिर बढ़ेंगे आगे। वहाँ वो देखो मस्जिद है, तो वो नमाज कब पढ़ते हैं? नमाज शुक्रवार, हर शुक्रवार जी। कितने लोग आते हैं? वही करीबन 200-300 आ जाते हैं। 200-300 लोग जी, हर शुक्रवार को जी। तो कोई रोक टोक नहीं है? नहीं है। तुम यहाँ पे कितने साल से? एक साल। एक साल हो गया जी। ये मस्जिद बनी हुई है, ये तो हम आए थे तब बनी हुई थी। नमाज पढ़ते हैं, यही काम करते हैं नमाज। मुसलमानों का इधर वो है, हाँ खाना भी बढ़ता है। मस्जिद बनी हुई है? हाँ हाँ। कितने साल से? जब से ये आई हुई मंडी, जब से ये खूब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और कुछ नहीं, नमाज पढ़ी जाती है और कुछ नहीं। ये कि वैसे सुविधा भी है लेटरिन फैटरिंग जाने के, लोग बागों को अंदर ये नल लगा रखे ना। हाँ। इसलिए कितने लोग आते हैं? रोज आते हैं या हर शुक्रवार को आते हैं? अब 2-10-5 आदमी यहाँ रहते हैं, जैसे रोज रोजे चलते हैं, जब आदमी रहते हैं यहाँ खाना फाना भी मिलता है बनता है। जाहिर है ये मजदूर भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं, जानते सब हैं और सीधे तौर पर कहते भी हैं कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि यहाँ तो ऐसा सालों से चल रहा है। लेकिन हैरानी होती है कि इस मंडी से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं। जरा सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पिछले 10 साल से वो वहाँ पर जो है वो मुहारा मंडी में तो ये 10 साल से सभी सो रहे थे क्या? मतलब 10 साल से इतने सेक्रेटरी आ गए, इतने प्रशासक आ गए, इतने एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, इतने सचिव आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या 10 साल? नहीं, मैं बाइट वाइट तो नहीं दूंगा, बाकी मैं जांच करा लेता हूँ इसकी। और ये सबसे पहले तो यही पता करवाऊँगा कि 10 साल से मतलब जब कितने कागज आए हैं और वो कागज़ कहाँ दबे हैं, कहाँ रह गए, ये सारा मैं जाँच करवाऊँगा इसकी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर मंडी का ट्रेड शिफ्ट हो रहा है ना, उसके काम के लिए हूँ। 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, 8 तारीख से। अच्छा। मेरी जानकारी में नहीं, मस्जिद तो बनी हुई कोई है ही नहीं मंडी आड़ के अंदर, कहीं पे भी नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखी। आप अदा की जाती है? मस्जिद तो कोई बनी हुई नहीं है, मैंने आज तक मस्जिद नहीं देखी। अच्छा। यहाँ पर मंडी आड़ के अंदर आप ही बता रहे हो सोनी जी मुझे कोई मस्जिद बन गई। एडिशनल सेक्रेटरी हूँ और केवल अभी 8 तारीख से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। इससे पहले मार्च से पहले मैं JD ऑफिस में था। आज बता रहे हो कि ईदगाह बनी हुई है यहाँ पर, तो मैंने तो आज तक ईदगाह कभी देखी नहीं यहाँ पर। मार्च से तो मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं तो आया ही कल ज्वाइन किया था। आप बताओ मुझे कहाँ पर है? और आप एक चीज़ बता रहे हो अवैध हथियारों की सप्लाई, वो कौन से अवैध हथियारों की सप्लाई हुआ है? तो फिर थाने के अंदर कंप्लेन करानी चाहिए अपने को, या थाने वालों को संज्ञान में लाना चाहिए, बताया अपन थाने वालों को। ये बात तो साफ है कि कैमरे पर सभी बचना चाहते हैं और अगर कुछ बोलते हैं तो फिर जवाब भी गोलमाल ही आते हैं। तो फिर क्या माना जाए, लापरवाही या फिर कुछ और? क्योंकि मंडी व्यापार संघ से जुड़े पदाधिकारी तो साफ तौर पर हर एक कहानी को बयां करते नजर आते हैं। जो हल्द्वानी की तस्वीर आई है तो वो तो हल्द्वानी वाला मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ मंडी के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अवैध तरीके से हमारे जो व्यापारियों को किसानों के माल बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं दुकानों के सामने, उन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो है वो नवाज वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो गलत है। जो प्लेटफार्म माल बेचने के लिए किसानों के लिए बने हैं उसके ऊपर हम कोई भी मंदिर या मस्जिद बनाएं वो बिल्कुल गलत है। अगर उनको कुछ भी करना है तो मंडी समिति से मांग करें, मंडी समिति उनको ज़मीन प्रोवाइड कराए और वहां बने, तो वो तरीका ठीक है। तो अब कहानी बिल्कुल साफ है, लेकिन सवाल बड़ा है कि नवतेज TV की ओर से उठाए गए इस मामले पर सरकार और अधिकारी आखिर कब चेतते हैं? क्या वक्त रहते या फिर इंतजार किसी और वक्त? जयपुर से नवतेज TV के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।
वहीं जब इस पूरे मुद्दे को नवतेज टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया तो पुनीत कर्णावत डिप्टी मेयर नगर निगम ग्रेटर जयपुर का इस पर क्या कहना था वो आपको सुनाएंगे। ये जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। मुहाना मंडी के टर्मिनल्स तो किसानों को अपने सामान का विक्रय करने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया था। उसमें अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कार्रवाई हो रही है और अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा करके कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसको निश्चित रूप से हम दिखाएंगे। हमारे क्षेत्राधिकार में होगा तो उस पर सीधा कार्रवाई भी करेंगे, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं होगा तो जिनके क्षेत्राधिकार में है उन्हें आग्रह करेंगे कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि वो मूलतः किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इस दृष्टिकोण से बनाई हुई मंडी है, उसका उपयोग उसी दृष्टि से होना चाहिए, अन्य किसी दृष्टि से नहीं होना। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग माथुर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। उमंग जी, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और क्या इस जो ये गतिविधि मुहाना मंडी में देखी गई है, क्या इस पर किसी भी अधिकारी की कोई नजर नहीं पड़ी और क्या इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे 2008 में इस मंडी का निर्माण किया गया था, लगभग 16 साल इस मंडी को बने हुए हो गए हैं और इस मंडी का निर्माण जो प्रमुख तौर पर सभी अधिकारियों ने और सभी लोगों ने एक ही शब्द में कहा है कि ये किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए ये खुले अहाते बनाए गए थे ताकि उनको अपने व्यापार करने में, किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो। लेकिन अब कई अधिकारी तो दबी जुबान में इससे अनभिज्ञ नज़र आते हैं तो कई अधिकारी बोलते भी हैं कि अगर वाकई में अवैध है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि लगभग 16 साल इस मंडी को बने हुए हो गए हैं लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी की, किसी भी कर्मचारी की, मंडी समिति के किसी भी अध्यक्ष की, सदस्य की इस अवैध निर्माण पर, इस अवैध मस्जिद पर नज़र आखिर क्यों नहीं पड़ी। आपको छोटी सी एक जानकारी बता दें प्रियंका, मंडी का जो गेट है, जो टर्मिनल की जहाँ से एंट्री होती है उसके बाहर एक मंदिर है, मंदिर वो बाहर है तो जाहिर सी बात है जब मंदिर बाहर है तो मस्जिद मंडी के अंदर क्या कर रही है, किसकी परमिशन से ऐसा हो रहा है और अगर किसी ने ऐसी परमिशन दी है तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह है। जैसा कि बताया गया कि नवतेज टीवी शुरुआत से कह रहा है किसी के धर्म की पालना करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो वो सरासर गलत है, कानून के खिलाफ है। और जैसा कि आपने सुना एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है, किसी भी प्रकार का मंदिर या मस्जिद जैसी कोई भी आपको निर्माण आपको करना है तो आप मंडी समिति के पास आए, आप जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाए, आपको जगह प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन अवैध तरीके से इस प्रकार का काम करना सरासर गलत है, गैरकानूनी है। डिप्टी मेयर नगर निगम पुनीत कर्णावत ने भी कहा है, नवतेज टीवी के माध्यम से उन्हें इस पूरे प्रकरण का पता चला है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक विजिलेंस टीम को भेजा जाएगा और अगर अनाधिकृत ये निर्माण पाया गया तो जरूर इसे ध्वस्त किया जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल उमंग जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये विधानसभा क्षेत्र सीएम भजनलाल शर्मा के अंडर आता है और तब जाकर ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यही है, अभी कल का ही हम आपको उदाहरण देते, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ऐलान करके गए हैं कि 2024 से पहले राजस्थान की जो सड़कें हैं, जयपुर की जो सड़कें हैं वो अमेरिका जैसी हो जाएंगी। तो हमारा भी यही कहना है, नवतेज टीवी के का भी यही कहना है कि अमेरिका जैसी सड़कें तो बिल्कुल हो जाएंगी, वो स्वागत योग्य डिसीजन है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक जो ज़रूरत है लोगों की, नागरिकों की और इस मुहाना मंडी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं पहले उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद बाकी के काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी हमने संपर्क करने की कोशिश करी है, उन तक भी मैसेज पहुंचाया है लेकिन अभी तक फिलहाल उसका कोई जवाब नहीं आया, आशा है जवाब पॉजिटिव ही आएगा और जो अव्यवस्थाएं मुहाना मंडी में है उसे सुधारा जाएगा। के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।
अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बताते चले कि दिल्ली में जहां एक तरफ किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे, वहीं इसकी आंच अब लखनऊ तक पहुंच गई है। और बताते चले कि दिल्ली में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान भाई और पुलिस जिस प्रकार से आमने सामने है, ये बेहद दुखद है। ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत किसानों को उकसाया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से एक अनुरोध करूंगा किसान भाइयों से कि वो संयम बरतें और धैर्य रखें। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वो वार्ता हमेशा जारी भी रखते हैं। किसान भाई और पुलिस जिस प्रकार से आमने सामने हैं, ये बहुत दुखद है और ये षड्यंत्र के तहत किसानों को उकसाया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से एक अनुरोध करूंगा, किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो संयम बरतें और धैर्य रखें। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वो वार्ता हमेशा जारी रखते हैं और अधिकारियों से भी, जो किसानों के विशेषज्ञ उन लोगों से भी और किसान नेताओं से भी, उन्होंने पहले भी किसानों की बात को मान करके और किसानों की बात को समझ करके जो कानून बनाए थे, किसानों के हित में कानून थे, उन सबको रद्द किया था। तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं निश्चित रूप से कि जो कुछ तथाकथित राजनीतिक दल जो चुनाव के मुद्दे नज़र को रखते हुए वो किसानों को उकसाना चाहते हैं और किसानों को उग्र करके आंदोलित करके, तो वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों से अनुरोध भी करूँगा कि वो बिल्कुल धैर्य रखें, संयम रखें, वार्ता का दौर जारी रखें। किसानों की समस्याओं का समाधान हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करेंगे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।